शुनम नरः शुनम कृषतु दांगरम शुनम वरत्रा वध्यन्ताम् शुनम अश्का मुदिंगय सुखद हो अश्व और वाहन सुख दे हमें मनुष्य हर सुख के साथ खेत जोते जुए सुख पूर्वक बांधे जाए मीठी हो चाबुक की मार भी शुनम न पाला विकृपन्तु भूमि शुनम की नाशा भी अंतु वाहे शुनम पर्जन्य मधुना पयो भी शुना सिरा शुनम स्मासु धत्तम हल के फाल भूमि को सुख से जोते किसान अपने बैलों के साथ सुख के साथ चले बादल अपनी मिठास और जल से हमें सुख दे इंद्र और वायु एक नया मोड़ तमाम कठिनाइयों चुनौतियों प्रयोगों परीक्षणों और परिश्रम के बाद साकार हुआ हरित क्रांति का सपना अन्न का सुरक्षित भंडार 2 करोड़ मेट्रिक टन के चमत्कारिक शिखर तक जा पहुंचा गेहूं और चावल के उत्पादन ने नए नए कीर्तिमान कायम किए और प्रारंभ हुआ भारतीय कृषि व्यवस्था के अन्य अंगों और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्रांतियों का एक बिल्कुल नया सिलसिला हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सिर्फ भूमि ही संपत्ति नहीं है ये पशु भी हमारे ग्रामीण परिवारों की अनमोल संपदा है सदियों से हमारी खेती पशुओं पर निर्भर रही है खेती के लिए जुताई सिंचाई गहाई और ढुलाई ही नहीं गोबर कंपोस्ट दूध दुग्धाहार मांस खाल रोए चर्बी हड्डियां यानी कि इनके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो ग्रामीण परिवारों की जरूरत से ना जुड़ा 1987 की गणना के मुताबिक हमारे देश में कुल मिलाकर 19,97,00,000 गाय बैल 7,70,00,000 भैंसे 4,57,00,000 भेड़े 11,02,00,000 बकरियां 10,60,00,000 सुअर 2,90,00,000 बोझा ढोने वाले पशु और 27,53,00,000 कुक्कुट यानी मुर्गियां बतखें इत्यादि हैं यानी हम पशुधन के क्षेत्र में संसार में सबसे ऊपर दुनिया के सबसे धनी गोपाल लेकिन एक विचित्र तथ्य यह है कि जहां न्यूजीलैंड में प्रति 100 एकड़ पशुओं की संख्या 268 है ऑस्ट्रेलिया में 199 और अर्जेंटीना में 244 है वहां हमारे देश में सिर्फ 44 और दूसरी विचित्र बात यह है कि हमारे देश में पशुओं का सबसे ज्यादा घनत्व उन प्रांतों में नहीं है जो ज्यादा हरे भरे और चारागाहों से भरपूर है बल्कि सबसे ज्यादा बंजर जमीन वाले राज्य राजस्थान में मवेशियों का घनत्व सबसे अधिक है प्रति 100 एकड़ में 88 ओ दादा देख देख दादा मारी मालती ने कितना प्यार हो कितना सुंदर बछड़ो ब्यायो है देख देख सच्ची कितना प्यारा लागे है मोको याद आ रहा है मेरो कलेरो जाको मैंने धौलपुर के मेला में बेच दियो जो तू कलोरा के भूल ना पा रहा हो तो जाने मैं क्या करूंगी अब क्या करेगी जाको नाम रखूंगी तू जो कलेरो अच्छा अच्छा चल जा यहाँ से और जाको ले जाए हकी माँ के पास थारे ने सारा मुल्क घूम डाला है दादा थारी उम्र रही होगी 80 के ऊपर कौन कौन नस्ल के गाय गोरु ढोर डंगर इस मुल्क में हुए कौन दुधारू हुए कौन खेती के काम आए और कौन बोझा ढोए अहेरी मोरनी अरे भरा मारी सारंगी लाना
मैं गा के सुनाऊंगा सामने सारी बात। सुन ले मोरनी ये धन है अपनी धरती धरती जैसा धन कोई ना। सुन ले मोरनी सब जन में सबसे प्यारो हमारे देश की सबसे प्यारो भोजन पशु धन जैसा धन कोई ना। संगी साहिवाल थर पर कर ऐसी जात के गोरू आए उनके दल धन कमजोर निगोरे बछड़े कुछ सुकुमार। हरियाणा और बोले गावला वैसी जात लांबी सिंह वालों का करे ऊंची जात। ऐसो थाने देखियो चाको गला जबरा जो जोते सुखो पाथर खेत ढोवे नंतन भो चाको गोरी बेला उजर से लेके ककता मालवी ऐसी जात चौड़ा माथा तिरछी सी बुरी गड़की ना पूछो बात। गोधन दखन माने देखियो लंबी चौकी जाकी सींग हल कर खिलाड़ी पड़े जुकारी अमृत महिला नंबर तीन। लेकिन दुनिया में पशुओं की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद हम कई मामलों में बहुत पीछे हैं। मसलन पश्चिमी देशों की गायें प्रति वर्ष औसतन 5 से 8 हजार पाउंड तक दूध देती हैं, जबकि हमारे यहाँ यही औसत सिर्फ 382 पाउंड है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ 100 में से सिर्फ 33 गायें ही दुधारू होती हैं। सर, यानी हिंदुस्तान में किसान गायों को पालता है जबकि अमेरिका में गाय किसानों को पालती है। इसीलिए इन पशुओं की नस्ल को सुधारने की कोशिशें 19वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। चाय बागानों के यूरोपियन मालिकों और मिशनरीज ने भारतीय गायों और विदेशी बैलों को क्रॉस ब्रीड करवाया। पटना की टेलर नस्ल इसकी एक उम्दा मिसाल है, जिसे 1857 के बाद पटना के डिविजनल कमिश्नर मिस्टर टेलर ने विदेशी बैलों और सफाली जेब गायों के क्रॉस से विकसित किया था। आरंभ में सिर्फ मिलिट्री फार्म्स में ही संकर नस्लों को विकसित करने का काम होता था। ये नस्लें थी आयरशायर और होल्स्टीन फ्रीजियन। इन सांडों को अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका आयात किया जाता था। लगता है सर, इसी के बाद वो फ्रोजन सीमेंट टेक्नोलॉजी यानी प्रसूतित वीर्य संरक्षण तकनीक सामने आई। हाँ, और तब महंगे और भारी भरकम विदेशी बैलों को आयात करने के झंझट से छुटकारा मिला। प्रसूतित वीर्य तो आसानी से एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए किसी भी देश में कुछ ही देर में पहुँच सकता है। भारत स्विस समझौते के तहत 1969 में केरल में पहला वीर्य बैंक स्थापित हुआ। इसके बाद पटियाला में डेनिश सरकार की सहायता से वीर्य के संकलन, संरक्षण और विदेशी वीर्य के परिवहन के लिए हेसरघट्टा, अमृतसर, भोपाल, गुड़गांव और बेंगलोर में बैंक खोले गए। बाद में तो 50 से भी ज्यादा ऐसे बैंक हो गए जहां खास तौर से 3 विदेशी नस्ल के बैलों के वीर्य का प्रोसेसिंग होती है। आप लोग बताएं वो कौन कौन सी नस्लें हैं? मैं बताऊं सर, वे हैं होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी और रेड डेन। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान का व्यवस्थित अध्ययन और प्रयोग 1942 में भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में प्रारंभ हुआ और इसका श्रेय जाता है एनिमल जेनेटिक्स के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर पी भट्टाचार्य को। सर, तो क्या हमारे देश में पशुओं की नस्ल
इतनी कमजोर है कि उन्हें उपयोगी बनाने के लिए उन्हें संकृत किया ही जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वरना सदियों से हमारी कृषि व्यवस्था और हमारा पशुपालक समुदाय उन पर निर्भर कैसे रहता? सूखे और गर्म इलाकों में काम करने का उनका दमखम, रोगों के खिलाफ उनकी प्रतिरोध क्षमता और उनकी खास शारीरिक बनावट तो ऐसी विशेषताएं हैं जो विदेशी प्रजाति के पशुओं में भी नहीं है। ये मैंने भी पढ़ा था सर, लेकिन सर फिर भारतीय पशुओं की नस्लें समुन्नत करने की जरूरत ही क्या है? एक, जिससे उनका आकार बड़ा हो ताकि वे अधिक भारवाही बने, और दूसरा ये कि दूध का उत्पादन बढ़े और वे डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी साबित हो। सन 1946 में दूध के व्यापार और डेयरी के विकास के लिए एक अभूतपूर्व सहकारी आंदोलन की बुनियाद डाली गई। गुजरात में कैरा जिले का एक छोटा सा तालुका आनंद इस अभियान का ऐतिहासिक नगर बना। यहां से ठीक 440 किलोमीटर दूर थी मुंबई। मुंबई दूध और दुग्धाहार के अभाव से त्रस्त था। उधर निजी डेयरी वालों और दूध के व्यापारियों के शोषण से गांव के किसान त्रस्त थे। आनंद के करीब करमसाड़ गांव के किसान परिवार में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों से अपील की कि वे दूध का व्यापार अपने हाथ में ले लें और इसके लिए सहकारी संगठन बनाएं। किसानों में तत्काल प्रतिक्रिया हुई। 4 जनवरी 1946 को एक छोटे से गांव समरखा में किसानों की पहली सभा हुई और 26 अक्टूबर को हाटगुड़ गांव में संगठित हुई सहकारी समिति। ग्राम स्तर और जिला स्तर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के मिले जुले सहयोग से राज्य स्तरीय दुग्ध व्यापार संघ कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बना। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अध्यक्ष और निदेशक मंडल के दिशा निर्देशों और किसानों के सहयोग से आया एक नव जागरण और तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों से जूझता अस्तित्व में आया एक नया नाम, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल। और इस कामयाबी का श्रेय जाता है 25 वर्षों तक अमूल के अध्यक्ष रहने वाले त्रिभुवन दास के पटेल और इसके प्रारंभिक महाप्रबंधक श्री वर्गीस कुरियन को। उन्हें दिया गया रेमन मैगसायसाय अवार्ड और देश ने दोनों को पद्म भूषण से अलंकृत किया। सन 1948 में यूनियन ने सिर्फ 250 लीटर दूध की खरीद से शुरुआत की थी और 1970 तक इसके पास विशाल दुग्ध उद्योग हो गया और खरीद 5 लाख लीटर तक पहुंच गई। 1954-55 में दुग्ध और दुग्धाहार से होने वाली आय 7 करोड़ 40 लाख थी, जो 1975 तक हो गई 44 करोड़ 66 लाख रुपए। हर दुधारू पशु से होने वाली आमदनी में 62% की बढ़ोतरी हुई। इससे किसानों की आय में 69% का इजाफा हुआ। तो ये था पशुपालन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सहकारी आंदोलन की सफलता का किस्सा, जो आज भी अपनी मिसाल आप हैं। अक्टूबर 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री आनंद आए और इससे प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्था की जरूरत पर जोर दिया और 1965 में गठित हुआ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसने मशहूर ऑपरेशन फ्लड को सरंजाम दिया। ऑपरेशन फ्लड समूचे संसार के किसी भी देश की अब तक की सबसे बड़ी डेयरी विकास योजना थी। इसका मकसद था समूचे देश में गांव में पैदा होने वाले दूध की बाढ़ ला देना, ऑपरेशन फ्लड। इसकी पृष्ठभूमि में था ईईसी यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय का वो अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन जिसे दुग्ध चून और मक्खन के पहाड़, माउंटेन्स ऑफ मिल्क पाउडर एंड बटर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से इसे भी कामयाबी मिली और फिर ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण चलाया गया। 17 राज्यों के 150 से ज्यादा जिलों में इसका विस्तार हुआ और देखते देखते दुग्ध उद्योगों की संख्या 200 को पार कर गई। मक्खन, दूध, मिल्क पाउडर, चीज, छेना, घी, श्रीखंड का भरपूर वितरण होने लगा। राजधानी में भी आशातीत सफलता मिली।
लोकप्रियता इतनी कि सारे पते मदर डेयरी के जरिए ही जाने जाने लगे और साकार हुई श्वेत क्रांति द व्हाइट रेवोल्यूशन। नदिया दूध की बहती जाए कखन छाछ भरू मीठो लागे जी को बड़ा सुहाए। सुन ले मोरनी कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जैसा ही महत्वपूर्ण है कुक्कुट पालन पोल्ट्री फार्मिंग। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अमेरिका से टेक्निकल कोऑपरेशन मिशन के सहयोग से प्राप्त 30,000 सफेद लेगहॉर्न और रोडे आइसलैंड रेड चिक्स के साथ कुक्कुट पालन के क्षेत्र में एक नया मोड़ आया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न हिस्सों में इसे व्यावसायिक रूप देने की कोशिशें जारी हुई। बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, शिमला, गुरदासपुर और लुधियाना में इसकी बड़ी इकाइयां स्थापित हुई। 1961 तक मुरहे ज्यादातर केरल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और पंजाब में ही बहुतायत में थे, बतखें पश्चिम बंगाल और असम में। देखते देखते अंडे देने वाली मुर्गियों की संख्या 350 लाख से बढ़कर 1980 तक 8 करोड़ 80 लाख हो गई। लगभग 1 लाख किसानों को आजीविका और 1 करोड़ 50 लाख लोगों को रोजगार देने वाला कुक्कुट पालन उद्योग राष्ट्रीय आय में 7,500 करोड़ वार्षिक का योगदान देने लगा। 15.4 लाख टन कार्बनिक खाद ऊपर से। पोल्ट्री सेक्टर कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक दुर्लभ उदाहरण है जो पिछले 3 दशकों में घरेलू कुक्कुट पालन यानी बैकयार्ड फार्मिंग से निकलकर एक बड़े व्यवसायिक उद्योग और व्यापार में बदल गया है। इसका एक फायदा तो ये है कि ये प्रोटीन से भरपूर है। मुर्गियाँ अपने आहार के लिए 60% उन चीजों पर निर्भर रहती है जिन्हें इंसान नहीं खा सकता। हाँ, और एक साथ ये भी है कि पोल्ट्री उद्योग के विकास की दर पशुपालन और कृषि के विकास के दर से भी ज्यादा है। लेकिन हमारे देश में तो एक आदमी एक साल में सिर्फ 32 अंडे ही खा पाता है। अरे इतना कम? यूरोप के देशों में तो प्रति व्यक्ति 250 अंडे सालाना खपत है और समूचे संसार का औसत 119 अंडे है। और नहीं नहीं, जहाँ हमारे देश में एक साल में एक आदमी सिर्फ आधा किलो चिकन खा पाता है, वहीं विकसित देशों में यही औसत करीब 26 किलोग्राम सालाना। इस क्षेत्र में हुए रिसर्च के अनुसार यदि हर व्यक्ति हर साल सिर्फ एक अंडा भी और खाए और सिर्फ 50 ग्राम चिकन मीट की खपत भी और बढ़ जाए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? 45,000 बेरोजगारों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा। That's wonderful. सरकार ने जिस तरह से कुक्कुट पालन उद्योग को कृषि के बराबर ही प्राथमिकता देनी शुरू की है, उम्मीद है जल्द ही यहाँ भी हासिल होगी एक नई कामयाबी। हमारा देश नदियों, झरनों, झीलों, तालाबों, पोखरों से भरा पूरा देश, असंख्य छोटी बड़ी नदियां, अनेक विशाल और छोटे बड़े तालाबों की श्रृंखलाएं, 6,000 किलोमीटर तक फैली विशाल समुद्री तटरेखा और फिर बहुत बड़ी संख्या में समुद्री द्वीप, माझियों, मल्लाहों, केवटों, मछुआरों के गीतों और सामूहिक तानों से गूंजता देश। इनकी जनसंख्या अनुमानतः 5 लाख से ऊपर है और पुराने ढंग की नौकाओं की संख्या 75,000 के करीब। लेकिन पिछड़ी तकनीक, जल संरक्षण की अपर्याप्त सुविधा, परिवहन और विक्रय की दिक्कतों की वजह से मत्स्य उद्योग विकसित नहीं हो पाया था और न ही मछुआरों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार ही आ पाया। समुद्री तटों में जहाँ मछलियों का अपार भंडार है, मछली पकड़ने का दायरा सिर्फ 8 से 11 किलोमीटर के उथले क्षेत्र तक सीमित रहा। इसी तरह देश के भीतर के जल क्षेत्र अवैज्ञानिक तौर तरीकों और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में खाली पड़े रहे। देश के कुल मछली उत्पादन में 71% समुद्री मछलियां होती हैं और 29%
ताजे पानी की मछलियाँ। दोनों तरह की मछलियों में सबसे महत्वपूर्ण हैं मैकरेल्स और परचेस, हेरिंग्स और एंकरीज, मिस्क, कैटफिशेस, ब्लूफिशेस, सिल्वर बेलीज, फ्लैटफिशेस, बॉम्बे डक, मलेट्स, पॉम्फ्रेट्स, इंडियन सालमन, दोराब, शेलफिश, ईल्स, प्रॉन्स। पहली पंचवर्षीय योजना के साथ ही मत्स्य उत्पादन पर काफी जोर दिया जाने लगा। दूसरी योजना में मत्स्य उद्योग को और विस्तार दिया गया। मत्स्य अनुसंधान केंद्र खोले गए, मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया, उन्नत बीजों का प्रबंध किया गया, समुद्री और ताजे पानी की मछलियों के विकास तथा व्यापार को बढ़ावा दिया गया। हर राज्य में इन्हीं दिशाओं में काम किया गया। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान स्थल और इसकी शाखाओं ने मछली पालन के विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन शुरू किया। इसी तरह समुद्री मछलियों के लिए सेंट्रल डीप सी फिशिंग स्टेशन मुंबई और कोचीन द्वारा केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में अभियान छेड़ा गया। मछली पकड़ने की आधुनिक तकनीकें ऑटो महाजाल, बुल महाजाल, शिम्प महाजाल, कोनी जाल, गिल नेटिंग आदि का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऊर्जा से चलने वाले आधुनिक पोतों और अन्य मशीनों को प्रयोग में लाया जाने लगा और 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष का उत्पादन लक्ष्य हासिल किया गया। इस दौर में मत्स्य बीजों के प्रसंस्करण में और अधिक जोर दिया गया। पिट्यूटरी ग्रंथि के द्रव को देशी और विदेशी प्रजाति की मछलियों में डालकर उन्नत और जल्द बढ़वार वाले बीजों को विकसित किया गया और 1995-96 में हासिल हुआ 49,500,000 टन मछली का उत्पादन, जिसमें समुद्री मछलियां 27,00,000 टन और अंतरस्थलीय मछलियां 22,50,000 टन थी। इतना ही नहीं, 296,000 टन मछली के निर्यात से देश को 3,501 करोड़ रुपए की आर्थिक आय हुई और कदम बढ़ने लगे नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन की ओर।